ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना रेजिस्टिविटी, अपने लास्ट टाइम पढ़ा था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। अपन ने जो इंटरेस्टिंग बात देखी थी उसके अंदर वो यही देखी थी कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आपके सामने थिक वायर और थिन वायर रखे हो, ठीक है, मोटा वायर और पतला वायर, थिक वायर और थिन वायर, तो उस टाइम पे क्या होगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब सेम लेंथ है दोनों के, अगर सेम लेंथ कंसिडर की है, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मोटे वायर से, इसलिए बड़ा बहुत जगह पर क्या होता है, मोटा वायर यूज़ करते हैं अपन ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, कम अपने को लगे, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होता है, टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर अकेली ऐसी चीज है जो क्या करती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ, एरिया, ज्योमेट्री रेजिस्टेंस को चेंज करती है, रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। और रही बात नेचर ऑफ मटेरियल की, तो हर मेटल के लिए लगभग लगभग रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी सबसे कम जो होती है, ठीक है ना, वो सिल्वर की होती है, ठीक है ना। तो सिल्वर के अंदर करंट धड़ल्ले से फ्लो करता है, बहुत स्पीड से फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी बड़ा नेक्स्ट पार्ट जो अपना आया है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस अगर आपके सामने रखा गया है तो कंबाइन कैसे करोगे, इसके लिए अब क्या है, थोड़ा सा अपन आइडिया लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ करंट, है ना, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बेटा करंट के फ्लो का वो पार्ट जो क्लोज हो, ठीक है ना, सब तरफ से क्या हो, पैक हो पूरा का पूरा, और क्या हो, कंटिन्यूस हो, एक जैसा हो, ना एक जैसा, मतलब एक पॉइंट से हम शुरू करें तो उसी पॉइंट पर आगे खत्म हो सके वापस, ठीक है। ऐसा जो पाथ होता है ना आपका जिसमें करंट फ्लो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंसिस्ट होता है, ठीक है, अपन एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कॉमन सर्किट डायग्राम है, ठीक है। कॉमन मतलब कि जनरल सर्किट डायग्राम, अगर आपके सामने कोई पूछे कि यार एक सर्किट डायग्राम बनाओ हमारे लिए, तो ऐसा बना दो, छुट्टी है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है अपने को, बहुत ज़्यादा विनाशकारी चीज़ें नहीं बनानी है, सिंपल सिंपल सर्किट डायग्राम बनाना है। एक बहुत सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे चीज़ आ रही है इसको अपन बोलते हैं बैटरी, ठीक है ना। बैटरी हो सकती है, अगर इसमें तीन तीन सेल आपस में कनेक्टेड है तो बैटरी बोलेंगे, अगर एक ही लग रहा होगा तो सिंपल सेल बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो अपना वायर है, हटाओ इसको, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एमीटर। इसकी लेबलिंग भी कर लेना आप, अगर आपके सामने सर्किट का डायग्राम पूछे तो इसकी लेबलिंग भी करना है ना, ये एमीटर है वगैरह आपको बताना है प्रॉपरली। देखो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव देन नेगेटिव, ठीक है। फिर ये जो है आपका ये बल्ब है, ठीक है ना, ये आपका सिंपल सा बल्ब ग्लो करता है ना, यहाँ पे ये जो कनेक्टेड इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना। पॉजिटिव को रिपीट करो, देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपने दिखा रखा है इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये अपना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम सर्किट में क्या होता है, करंट की वैल्यू को कम करना, ठीक है ना। और जब अपन आगे जाते हैं तो यहाँ पे अपने को ये जो मिलती है इसको अपन बोलते हैं टैप की, ये बेसिकली की है, ठीक है ना। की का काम क्या होता है, अपन क्या करते हैं इसको अगर क्लिक करते तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन ऊपर करते तो क्या होगा, सर्किट जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए टैप की का अपन यूज़ करते हैं। देखो सर्किट में अगर अपन चाहे कि करंट फ्लो हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, टैप की को ऑन कर दो, ठीक है ना। अगर टैप की ऑन होगी तो सर्किट में क्या होगा, करंट होगा। टैप की ऑफ कर दो, सर्किट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, उसमें कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्किट को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस करती है।
अगर इसको ऑन कर दिया तो सर्किट कंटिन्यूस हो जाएगा, ऑफ कर दिया तो सर्किट डिसकंटिन्यूस। और लास्ट पे जो यहाँ पे है ना, ये है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसको आप चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब ये है तो रेजिस्टेंस ही है, बट आप क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप क्या बोलते हो उसको, रेजिस्टेंस। तो ये आपका एक कॉमन सर्किट डायग्राम है। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है ना कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम, तो इतना बना दो सफिशियंट है। ठीक है ना, ज़्यादा आप चाहो तो बना सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं है, जब इससे काम हो रहा है तो ज़्यादा बना के करना क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सर्किट के अंदर क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है, इसको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है सीरीज में, मतलब एक ही वायर के अंदर क्या कर दो, लगातार रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, दो टर्मिनल से आप क्या करते हो, एक साथ बहुत सारा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो, तो वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो किस तरह से होता है, अपन कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, एक रेजिस्टेंस के एक एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, फिर उस रेजिस्टेंस के हर करंट बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। ठीक है ना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ये नोट कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सर्किट के अंदर बताना, मैं पहले भी मिस कर गया था, बताया था हल्का फुल्का। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज बेसिकली द नॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो डायरेक्शन मानी गई है वो यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस के एक एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके एक एंड पे क्या हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, वापस उसके नेक्स्ट एंड पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा जो कनेक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसमें हर रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है, उसका एक ही पार्ट कनेक्ट होगा, दोनों पार्ट कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो एक अच्छा सवाल ये उठता है कि आप रेजिस्टेंस कॉम्बाइन करते क्यों हो। ठीक है, रेजिस्टेंस आप इसलिए कंबाइन करते हो ताकि अगर आपको कोई रेजिस्टेंस ऐसा चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप वो क्रिएट कर सको, तो उसको क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हो। देखो सेंस बहुत साफ सुथरा है, अगर मान लो आपको 6 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास में 2-2 ओम के 10 रेजिस्टेंस पड़े। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 6 ओम का, वो 2-2 ओम के रेजिस्टेंस किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली एक सिंगल रेजिस्टेंस आपको 6 ओम तो देगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, कॉम्बिनेशन करते हो आप, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, 6 ओम चाहिए, तो आपने 2-2 ओम के क्या कर दिया, 3 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट कर दिया, 2-2, 2-3 कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, पर इसके पीछे अच्छी थ्योरी है जो देख रहे थे अपन। मान लो कि ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है, उस सर्किट का पोटेंशियल जो है वो वी है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल की अच्छी सी एक बहुत बेसिक जो बात है वो ये है कि पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज में ड्रॉप होते हुए चलता है। ड्रॉप होते हुए चलने का मतलब ये है कि पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होता है। बहुत सिंपल सी बात समझना और सुनना, पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल, 9 वोल्ट का मान लेते एग्जांपल के, 9 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो 9 वोल्ट इन तीनों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड हुए जरूरी नहीं है, अगर रेजिस्टेंस तीनों इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल है तो अनइक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मान लो रेजिस्टेंस तीनों बराबर ही होते हैं, ठीक है ना, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल तीनों में 3-3-3 में डिवाइड हो जाता। ठीक है, पर अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल है तो आप कुछ कह नहीं सकते किसमें कितना डिवाइड होगा, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस अनइक्वल है, मैंने इनको R1, R2, R3 नाम दिया है, मेरा पोटेंशियल टोटल क्या था, वी था, तो मान लो जो तीनों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जो हुआ है और यहाँ पे जो हुआ है, इसको मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग नाम दिया है, इसको दिया है V1, इसको दिया है V2, इसको दिया है V3। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी बात, क्या V पोटेंशियल V1, V2, V3 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, यानी कि V जो है वो बेसिकली क्या होगा, V1, V2, V3 से कंपोज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो V होता है ना, वो V1, V2 और V3 में
डिवाइड हो रहा है तो तीनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, वी होगा, ठीक है, जहाँ वी आपका टोटल पोटेंशियल है, वी जो क्या है आपका टोटल पोटेंशियल। और यहाँ पे जो मैंने आपको एक बात बोली थी ना, वो आपको अच्छी तरह दिमाग में रखनी है कि पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिवाइड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिवाइड्स इन सॉरी सीरीज, सीरीज नॉट पैरेलल, पोटेंशियल डिवाइड इन सीरीज, पोटेंशियल डिवाइड इन सीरीज, ठीक है ना। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, करंट जो होता है, करंट क्या होता है, एक सर्किट का पैरामीटर है। जैसे ये पूरा आपका एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो इस क्लोज सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है ना वो पूरे सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैंने इसको माना क्या माना है, सीरीज माना है, ठीक है ना। देखो सीरीज में अगर आपको दिक्कत हो, आप क्या करो, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो और आप सीधे सीधे जा पाते हो, ठीक है ना, और उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो सीधे सीधे एक ही रास्ते से, तो वो जो रास्ता है ना आपका, वो रास्ता कैसा है आपका, सीरीज का रास्ता है ना, पूरा रास्ता सीरीज में, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, V1 V2 V3 मैंने कनेक्ट किए हैं, बट ये खाली मीटर्स है, ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपन कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, तो इनका ज़्यादा सेंस नहीं है। ये सर्किट के अंदर खाली क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये खाली करंट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो जो करंट है ना तीनों में कितना होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एक और बात दिमाग में आई है, जो लिखना कि करंट इज कॉन्स्टेंट इन सीरीज। अब दो बातें जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज में ड्रॉप होते हुए चलता है, पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड हो जाता है, और करंट क्या होता है, सीरीज में कांस्टेंट होता है। ये बातें मतलब बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी महाभारत वाली बातें हैं, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू मतलब मान सकते हो कि पूरा करंट का जो चैप्टर है आप इसके बेस पे कर लोगे ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आए आपके लेवल पे, ये चीज़ें सफिशियंट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो V इजिकल्स टू क्या हो गया, V1, V2, V3, बट करंट क्या होगा तीनों में, कांस्टेंट। तो करंट इसका मान लेता हूँ I, तो इसका भी कितना होगा I, इसका भी कितना होगा I, ठीक है। अब ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ क्या बोलता है अपने को, ओम्स लॉ बोलता है कि V इजिकल्स टू क्या होता है, IR, ठीक है ना, V इजिकल्स टू IR होता है। तो यहाँ से आपका V1 कितना हो जाएगा, I इंटू R1, V1 कितना हो जाएगा, I इंटू R1, V2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, I इंटू R2, V3 आपका हो जाएगा I इंटू R3, और तीनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि V इजिकल्स टू V1 V2 V3 है, ठीक है ना। तो V की जगह लिखता हूँ मैं IR, ठीक है, क्योंकि V टोटल था, तो इसमें I भी टोटल है, R भी टोटल है, ठीक है, उसको RT लिख देता हूँ मैं ना, R टोटल के लिए। तो ये अपना हो जाएगा IV1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। तीनों से I क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट के तौर पर आगे बाहर ले लिया, तो R1, R2, R3, I से I कैंसिल, R टोटल हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I को अपन ने यहाँ पे काट दिया है, क्योंकि I क्या पूरे सर्किट में सेम वैल्यू रखता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1, R2 और R3। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल चीज़ है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्टली एडअप होता है। तो एल्जेब्रिकली, ठीक है, एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हो आप, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, एल्जेब्रिकली ऐड रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या कर सकते हो, सर्किट रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिकली सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपको 2, 4, 6 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2, 4, 6, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल आपका सीधा 12, खत्म, है ना, इस तरह से होता है। तो ये आपका होता है सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पैरेलल में क्या होता है, एक टर्मिनल आप चूज कर लेते हो, उस टर्मिनल पे एक साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे पे कनेक्ट नहीं होते, टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, इसकी R2, इसकी R3। ये सर्किट भी किसी V बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि पोटेंशियल तो इधर भी जा ही रहा है, करंट भी जा ही रहा है, मान लो जो करंट जा रहा है वो कितना है अपना I, ठीक
ठीक है ना। तो पैरेलल की दो बातें जो इंटरेस्टिंग है, जैसे सीरीज में थी कि पोटेंशियल डिवाइड इन सीरीज, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज, इसमें उल्टा है। उल्टा मतलब कि इसमें आप यू बोल सकते हो कि करंट डिवाइड्स इन पैरेलल, ठीक है। और दूसरी बात जो आप बोलोगे ये बोलोगे कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन पैरेलल, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में रख सकते हो। पोटेंशियल पैरेलल में क्या हो सकता है, कांस्टेंट होता है, जानो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पी से पी को याद रखना, पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल में, कांस्टेंट होता है, बस इतना सा याद रखो ना, कांस्टेंट वाली बात याद रखो, बाकी सब बातें आपके सामने निकल के अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कि पैरेलल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो पी में पी कांस्टेंट होता है, खत्म। ठीक है, अब यही बात, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मतलब अगर यहाँ अपना पोटेंशियल वी है तो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल वी, इसके अक्रॉस भी वी, इसके अक्रॉस भी वी, जबकि करंट जो होता है वो क्या होता है पैरेलल में डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है तो आर वन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा आई वन, इसके अक्रॉस आई टू, इसके अक्रॉस आई थ्री। तो सीधी सी बात है कि आई वन आई टू आई थ्री आया कहाँ से, आई से डिवाइड होकर आई वन आई टू आई थ्री बनाए, तो आप क्या बोल सकते हो कि आई बराबर क्या हो जाएगा आई वन आई टू और आई थ्री। अब फिर से वही बात, ओम्स लॉ लगा दो। अब ओम्स लॉ क्या बोलेगा, बहुत जनरल सी बात बोलेगा ओम्स लॉ की, वी इजिकल्स टू क्या होता है आई आर। तो बेटा अगर आपका वी आई आर होता है तो आई क्या हो जाएगा आपका वी बाय आर, है ना, आई क्या हो जाएगा आपका वी बाय आर। तो बेटा अगर आपका आई वी बाय आर होता है तो सिंपल सी बात है कि आई वन क्या होगा वी बाय आर वन, क्योंकि पूरे सर्किट में वी क्या है कॉन्स्ट, आई वन क्या होगा वी बाय आर वन, आई टू क्या होगा वी बाय आर टू, आई थ्री क्या होगा वी बाय आर थ्री। तो आई वन वी बाय आर वन, आई टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बाय आर टू, और जो आई थ्री है वो आपका हो जाएगा वी बाय आर थ्री। ठीक है ना, सब वैल्यूज को यहाँ पुट अप करो, जो आई है आपका वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, है ना, आई वन की जगह रखा मैंने वी बाय आर वन, वी बाय आर टू और वी बाय आर थ्री, ये आई वन की जगह, आई टू की जगह, आई थ्री की जगह। सबसे अगर आप वी को कॉमन लेके काटो तो आपको पता है कि वी सबके अंदर से क्या हो रहा है, इजिली कट रहा है ना, इधर तो वी बाय आर टोटल, और यहाँ से वी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आर वन आर टू और आर थ्री। ठीक है ना, वी से वी कैंसिल कर दो, क्या मिल जाएगा आपको वन अपॉन आर टोटल आपका हो जाएगा वन बाय आर वन, वन बाय आर टू, वन बाय आर थ्री। दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में ये होता है ना, इन्वर्सली क्या करते हो रेजिस्टेंस को एडअप कर लेते हो, क्लियर है। ठीक है ना,